बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका अपने पीछे दो बेटियों को छोड़ गए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे ने कीर्तिका और तारिणी के माता पिता को छीन लिया। कीर्तिका और तारिणी बिपिन रावत और मधुलिका की बेटियां हैं। कीर्तिका की शादी हो चुकी है और वो मुंबई में रहती हैं। तारिणी दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। कीर्तिका और तारिणी दोनों ही शादीशुदा हैं और कीर्तिका तारिणी की बड़ी बहन है। सार्वजनिक तौर पर बिपिन रावत की बेटियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन दोनों बेटियां जनरल बिपिन रावत की शान थी। इसमें कोई शक नहीं कि सीरियस जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियों के कंधे पर एक बड़ा भार आ गया है। एक तरफ पिता का ना होना और दूसरी तरफ माँ की ममता छिन जाना। इस दुख की भरपाई जाहिर है कि इन दोनों के लिए कोई नहीं कर पाएगा। जनरल रावत की पत्नी मधुलिका आर्मी राइफल्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। वो मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी और दिवंगत राजनेता मृगेंद्र सिंह की बेटी थी। मधुलिका रावत ने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में की। AWAA के अलावा वो कई तरह के सोशल वर्क्स के अलावा कैंसर पीड़ितों के लिए भी काम करती थी। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत भारतीय सेना में शामिल हुए। 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलवीर सिंह सुहाग के बाद रावत ने 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में कमान संभाली। फिर वो CDS यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख बन गए। CDS बिपिन रावत प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद सैन्य अफसरों में गिने जाते थे। बिपिन रावत को सीनियर सुपरसीड कर सेना प्रमुख बनाया गया। जिस दिन वो सेना प्रमुख से रिटायर हुए थे उसके अगले दिन CDS बना दिए गए थे। उन्होंने साल 2015 में म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का अभियान चलाया था, जिसमें भारतीय सेना ने NSCNK के उग्रवादियों को सफलतापूर्वक जवाब दिया था। बिपिन रावत अपने पूरे करियर में लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते रह गए सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। 16 दिसंबर 1978 को जनरल बिपिन रावत बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे। 1980 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट हुए। 1984 में उन्हें सेना ने कप्तान की रैंक दी। 1989 में मेजर बने। 1998 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इसके बाद करगिल में युद्ध हुआ था। साल 2003 में वो कर्नल बनाए गए। 4 साल बाद साल 2007 में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया। साल 2011 में वो मेजर जनरल बने। 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट हुए और उसके बाद CDS बनाए गए।